नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो क्रिया का छूटा हुआ पार्ट है वो हम इस वीडियो में जो है पूरा करेंगे। जैसे कि आपका क्या क्या छूट गया है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और क्रिया की क्या अवस्थाएं होती हैं, उन सभी को इसमें आपके साथ जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है जो मैं हर वीडियो में करता हूँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि उनके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। पसंद आने पर बिना कंजूसी किए लाइक जरूर कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सकर्मक क्रिया की बात करेंगे, जो वहाँ पर जो छूटा हुआ था इसके पहले की जो वीडियो है। जिसने उसको नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसकी फर्स्ट वीडियो को देख सकता है। देखिए दोस्तों, सकर्मक क्रिया होती क्या है? जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, व्यापार का फल कहने का क्या मतलब है? बहुत सिंपल सी बात समझिए कि जो है जिस क्रिया में अगर कोई कार्य किया जाएगा और उसका असर कर्म पर पड़ेगा तो वो आपका सकर्मक क्रिया होती है। ये आपको यहाँ पे सीधे सीधे कहने की कोशिश कर रहा है। अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो यहाँ से कह रहा है कि राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है दोस्तों, ये तो इसका उदाहरण हो गया। और इसको पहचानने का तरीका क्या दिया हुआ है कि इसमें क्रिया के साथ अगर आप क्या का प्रश्न करेंगे तो जो आपको उत्तर मिलता है वही आपका कर्म कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, आप ये सब समझते ही हैं कि आपका जो है कर्ता क्या है, कर्म क्या है, इसको आपको जानने के लिए क्या करना होता है। इसमें पहचान का तरीका ये है कि क्रिया के साथ आप क्या का प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पे आपकी क्रिया क्या है? पढ़ने की क्रिया हो रही है। तो यदि इसके साथ आप जो है क्या का प्रश्न करते हैं, मतलब कि राम क्या पढ़ता है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? राम पुस्तक पढ़ता है। तो आपको आंसर मिल रहा है पुस्तक, इसीलिए इस पुस्तक क्या है, इसका कर्म है और इसी कर्म पर असर भी पड़ रहा है। आप अगर ध्यान से इसके बारे में सोचे तो जो राम पढ़ रहा है उसका असर किस पे पड़ रहा है? इस पुस्तक पे पड़ रहा है, यानी इसका कर्म पे इसका असर आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया हुई। फिर से एक बार देखिए क्या करना है इसमें आपको। इसमें आपको जो है आपकी जो क्रिया है, ध्यान रखिएगा कि क्रिया से ही आपको प्रश्न करता है करना है और किसका प्रश्न करना है, क्या का। जब आप क्या का प्रश्न करेंगे तो जो आपको उत्तर मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका कर्म हो जाएगा। जैसे देखिए, सकर्मक का मतलब भी होता है कि कर्म के साथ वाली, यानी जिसके साथ कर्म आए। बिना कर्म वाली क्या हो जाएगी? वो आपकी अकर्मक क्रिया होगी। उसके बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, तो अब अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। अकर्मक क्रिया आपकी क्या होगी? जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, उदाहरण में आपको दिया गया है कि गीता गाती है। तो गीता गाती है, अगर आप यहाँ पर देखिए इसका जो पहचान का तरीका है वो ये है कि क्रिया के साथ आपको क्या या कौन से प्रश्न करने पर उत्तर में आपको क्या मिलेगा? कर्ता मिल जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगी? वो क्या क्रिया होगी आपकी? अकर्मक क्रिया। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर आप जो है लगाते हैं कि कौन गाती है तो आंसर आपको क्या मिल रहा है? गीता गाती है। अगर श्याम हंसता है मैं अगर आप यहाँ लगा देंगे कौन हंसता है तो आंसर आपको क्या मिलेगा? श्याम हंसता है। तो ये आपकी कौन सी क्रिया हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें हमारा क्रिया के साथ प्रश्न करने पर हमें आंसर क्या मिल रहा है? हमें कर्ता आंसर के रूप में मिल रहा है। और ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्रिया के व्यापार का फल आपका किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। इसीलिए यहाँ पर ये कौन सी हो गई? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया मीन्स क्या होता है कि जो जिसके साथ कर्म जुड़ा हुआ ना हो। तो ये आपकी हो गई सकर्मक क्रिया और ये आपने पढ़ लिया अकर्मक क्रिया। अब चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं और क्या चीजें हैं। एक चीज आपकी और छुट्टी है इसमें, ये है आपकी क्रिया की अवस्था। तो इसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होती है। तो देखिए दोस्तों कि इसकी आपकी कुल मिला के तीन अवस्थाएं हैं। वो कौन कौन सी अवस्था है? पहली अवस्था है आपकी सामान्य अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है दोस्तों, पढ़िए, जिस क्रिया से सामान्य अवस्था का बोध होता है। कहने का मतलब कि बहुत ही आसान भाषा में कहा जाए अगर इसको, तो जो नॉर्मली हम लोग जो वर्ड या शब्द किसी चीज के लिए सेंटेंस लिखते हैं वो आपकी सामान्य अवस्था में आती है। देखिए, विवेक खेल रहा है, बहुत सिंपल सा शब्द है, आराम से इसको पढ़ा जा रहा है और ये क्या है? ये आपकी सामान्य अवस्था है जो कि आपको दिखाई पड़ रही है। आगे चलते हैं, अगर विधि अवस्था की बात की जाए तो विधि अवस्था क्या होती है कि जिस क्रिया से आपकी आज्ञा, प्रार्थना, प्रश्न आदि का भाव प्रकट होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका सेंटेंस रहेगा, यानी जो आपकी यहाँ पर वाक्य लिखा है, इसमें से या तो आज्ञा का भाव निकल के आएगा या प्रार्थना या प्रश्न, तो आपकी वो कौन सी अवस्था कहलाएगी? विधि अवस्था कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि पढ़िए आप जो जैसे उदाहरण है वो क्या है, क्या मैं घूमने जा सकता हूँ? तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? आप जो है आज्ञा मांग रहे हैं किसी से। यदि आप किसी से प्रार्थना भी करेंगे तब भी आपका क्या होगा कि जो है
आपका पर जब प्रार्थना किसी से करेंगे तब भी आपका वो किस में आएगा, विधि अवस्था में आएगा, या अगर आप किसी से प्रश्न करेंगे तब भी आपका क्या आएगा, विधि अवस्था में ही वो आएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या है। नेक्स्ट है आपके लिए संभाव अवस्था। देखिए दोस्तों जैसा कि संभाव से ही पता चल रहा है कि संभावना इसमें आएगी, तो ऐसा क्या है इसमें देखिए कि जिस क्रिया से अनुमान, इच्छा या संदेह ऐसी चीजों का बोध हो जाएगा, वहां पर आपकी कौन सी जो है अवस्था होगी, संभाव अवस्था होगी। देखिए दोस्तों उदाहरण के तौर पे लिया गया है, शायद वह घर पर ही हो, तो यहाँ पे शायद क्या है, ये एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो घर पर ही होगा, या आपकी कोई इच्छा होगी, या अगर आपको किसी के ऊपर संदेह होगा तब भी आपकी कौन सी अवस्था कहलाएगी, वो संभाव अवस्था। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि अब आप लोग सभी चीज को समझ चुके होंगे, अगर आपको इसमें से कोई चीज ना समझ में आए हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में कह सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि सभी वीडियो के साथ मैं कुछ प्रश्नोत्तरी जोड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इसके साथ मैंने कोई प्रश्नोत्तरी नहीं जोड़ी है, कारण उसका ये है कि उसके प्रश्न बहुत अच्छे से बन नहीं पा रहे थे, और एक दो प्रश्न या पांच प्रश्न जो है प्रश्नोत्तरी में देना भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने इसके साथ प्रश्नोत्तरी नहीं जोड़ी है। लेकिन दोस्तों मैंने जो अपनी हिंदी की बहुत सारी क्विज डाल रखी है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपकी क्रिया से रिलेटेड आए हुए हैं, आप उन क्विज को लगाइएगा तो आपको क्रिया के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी क्वेश्चन इसको देखने के बाद सही करेंगे। तो दोस्तों ये होगा क्रिया का दूसरा पार्ट, ये यहीं पे खत्म होता है। जल्दी ही जल्द मैं आपके लिए नेक्स्ट जो भी इसका पार्ट होगा वो आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद।